कांग्रेस के मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट के समय में यूक्रेन में अभी भी हजारों भारतीय फंसे हो, प्रदेश के अभी भी 148 बच्चे यूक्रेन में फंसे हो। ऐसे संकट काल में लगभग भाजपा 5 मार्च को शिवराज जी का जन्मदिन मनाने जा रही है, जो बेहद शर्मनाक है। बड़े शर्म की बात है जब खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 452 बच्चे यूक्रेन में फंसे थे, जिसके अंदर से अभी तक 304 ही आए। उनके आंकड़े के मुताबिक अभी 148 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो परिवार जो रात दिन सो नहीं पा रहे, जिनको अपने बच्चों की चिंता है। भारतीय की संख्या की बात करें तो 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए, जिसमें से भी कई हजार भारतीय आना बाकी। और ऐसे समय, ऐसे संकट काल के समय भी यदि भाजपा मुख्यमंत्री का जन्मदिन मना रही, तो निश्चित तौर पे ये शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी जो इवेंट अभियान आयोजन में लगी रहती, कम से कम उनको यह तो देखना चाहिए कि आज प्रदेश के देश के क्या हालत है। आज हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं, हजारों छात्र फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 148 छात्र अभी तक वापस नहीं लौटे। भारतीय जनता पार्टी को तो संकल्प लेना चाहिए कि जब तक एक एक बच्चा यूक्रेन से मध्य प्रदेश का देश का वापस नहीं आ जाता, जब तक हम ना कोई जन्मदिन मनाएंगे, ना कोई आयोजन करेंगे, ना अभियान करेंगे, ना कोई इवेंट करेंगे।